नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका पीडी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। साथ ही में स्वागत है आपका फरवरी महीने में, यानी कि आज 1 फरवरी है और 1 फरवरी की करंट अफेयर्स के साथ हाजिर है आपके सामने। डिस्कस करेंगे आज की पूरी करंट अफेयर्स, आज का पूरा ताजा घटनाक्रम, समसामयिकी, पॉजिटिव न्यूज, अखबार का वो सारा कोना, वो सारा हिस्सा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही में जो कल का हमारा क्वेश्चन था उस पर डिस्कस करेंगे, वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। और उसके बाद लास्ट में आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आपको हर रोज की तरह रिप्लाई मुझे कमेंट बॉक्स में करना होता है। और साथ में जो हर रोज का काम है वो आपको करना ही है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है और कमेंट भी करते रहना है। कमेंट में आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं, आप अपने सुझाव जो है वो दे सकते हैं ताकि हम और बेहतर काम किस प्रकार कर सकें। और आपके जो सुझाव होंगे उसको मैं जरूर इंप्लीमेंट करूंगा, जरूर उन पे गौर करूंगा। तो प्यारे दोस्तों, सुझाव जरूर दें, कमेंट जरूर करें, हमारी जो कमियां आपको लगे वो भी जरूर बताएं ताकि हम उनको सुधार सकें और भविष्य में और अच्छे तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट कर सकें जो आपके भविष्य के लिए, आपके लिए और आने वाले आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स को। हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इस महान लाइन के साथ, एक्सीलेंस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस नॉट एन एक्सीडेंट। एक्सीलेंस कहें, एक्सीलेंसी कहें, बुद्धिमता कहें, ज्ञान कहें, महानता कहें या सक्सेस कहें, ये सारी चीजें जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस से आती हैं। मतलब लगातार मेहनत से, लगातार काम करते रहने से आती है। ये कोई एक्सीडेंटल चीज नहीं है कि हम किसी चीज से टकराए और हमारे अंदर घुस गई। हमें देखने में लगता है जब कोई सक्सेसफुल आदमी होता है तो ये ऐसा लगता है कि ये तो एकदम से सक्सेसफुल हो चुका है, इसके पास तो एकदम से इतना ज्ञान आ गया है। पर कभी भी हम उसकी बैकग्राउंड नहीं देखते, ये नहीं देखते कि इन्होंने कितना लंबा तप किया है, कितनी लंबी तपस्या की है, कितना परिश्रम किया है, कितनी मेहनत की है। वो कंटिन्यूटी ही है, वो लगातार मेहनत ही है जो एक आदमी को सफल बनाती है, सफलता की ओर लेके जाती है और सफलता के शीर्ष पर हमें दिखाती है। तो प्यारे दोस्तों, कंटिन्यू रखें अपनी स्टडी को, कंटिन्यू रखें लर्निंग को, कंटिन्यू रखें सीखने की प्रक्रिया को, वही आपको आपकी कामयाबी के शिखर पर लेके जाएगी। कोई एक्सीडेंट ऐसा नहीं होने वाला है कि गाड़ी से टकराए और एकदम से पेपर क्रैक हो गया, ऐसा नहीं होगा। पेपर क्रैक तभी होगा जब आप लगातार तैयारी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को। आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत पॉजिटिव न्यूज थी दुनिया में, बहुत बड़ी खबर रही है कि हमारे एक प्लेयर को, किस भारतीय खिलाड़ी को, क्वेश्चन हमारा रहा किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। ये पहली बार ये जो आयोजन है ये हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है वर्ल्ड में कि एक वर्ल्ड गेम्स एथलीट करके एक संस्था बनी और उस संस्था ने दुनिया के सभी खेल से संबंधित, ऐसा नहीं है कि कोई एक खेल एक देश, ऐसा नहीं था, दुनिया के सारे खेल इसमें शामिल थे, सारे एथलीट इसमें शामिल थे, सारे प्लेयर्स इसमें शामिल थे और उसमें से एक खिलाड़ी को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुनना था, सिर्फ एक खिलाड़ी उसमें चुना जाना था। और इसके लिए ओपन वोटिंग रखी गई थी, मतलब कोई भी इसमें वोट दे सकता था। इस ओपन वोटिंग के हिसाब से भारत की एक फीमेल प्लेयर, एक महिला खिलाड़ी, जो भारत के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है, और वो है रानी रामपाल। रानी रामपाल भारतीय हॉकी की टीम की कप्तान है, कैप्टन है हमारी हॉकी टीम की और साथ में बहुत ही फेमस प्लेयर, वर्ल्ड फेमस प्लेयर है। दूसरी बात ये कि ये जो प्लेयर ऑफ द ईयर चुना जाना था, ये सिर्फ खेल से संबंधित नहीं था, मतलब ये नहीं कि सिर्फ खेल में बेस्ट है तो ही चुना जाएगा। उनका सामाजिक सरोकार, उनका व्यवहार और उनका जो काम करने का तरीका था, टीम को बनाने का तरीका था, मतलब आप उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से ही उनको चुना जाना था। और उस परफॉर्मेंस में सबसे जो खरी उतरी वो उतरी भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल। चलिए ये क्वेश्चन अपने पर में आपको जरूर मिल सकता था, मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा टॉम, ये भी एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है, एक संस्था है टॉम, याद रखिएगा, ने विश्व के 57 देशों के ट्रैफिक को लेकर डाटा तैयार किया, उसमें सबसे खराब शहर कौन सा रहा। देखो, टॉम ने एक सर्वे किया जो दुनिया के 57 देशों के 416 शहरों को कवर करता है, मतलब दुनिया के 57 देश में से 416 शहर उसने सिलेक्ट किए, उन सब में सर्वे किया गया और 6 महाद्वीप इसमें शामिल थे। एक महाद्वीप अंटार्कटिका ऐसा है जिसपे जनसंख्या है नहीं तो उसको छोड़ देते हैं। 6 महाद्वीपों में
416 शहर और 57 देशों को टॉम टॉम ने कवर किया और उसमें ये देखा कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम्स कहाँ होते हैं, सबसे ज्यादा ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस शहर में है। तो वो जो शहर था वो भारत था। ये हमारे लिए एक बैड न्यूज भी रही, साथ ही साथ जो पिछली गुड न्यूज थी उसके बाद एक बैड न्यूज आई कि भारत का बेंगलुरु जो है, बेंगलोर जो कि कर्नाटका की राजधानी है, वो जो शहर है वो दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला और सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर रहा। अनुमानन एवरेजन एक आदमी एक साल में 243 घंटे तक जाम में फंसा रहा। बहुत ही भयानक तस्वीर है ये। उसके बाद आगे भी कोई ज्यादा अच्छी खबर नहीं है। चौथे नंबर पर मुंबई रहा, पांचवें नंबर पर पुणे रहा और आठवें नंबर पर रहा दिल्ली। मतलब टॉप 10 जो थे उसमें से चार शहर भारत के थे। अब हम देख सकते हैं कि भारत का हालात जो है भीड़ भाड़ के मामले में वो क्या है, बहुत ही बुरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बुरा है तो छोड़ देते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय को थाईलैंड में संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर चुना गया है। तो पहले तो इस शब्द को समझो आप, किस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर क्या होता है संयुक्त राष्ट्र का। संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएनओ, मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के सभी देशों में काम करता है, अपने मिशन चलाता है, पूरी दुनिया के सब देशों में इनके मिशन चालू रहते हैं हर तरीके के, और उन मिशंस की देखरेख के लिए हर देश में ये अपना एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त करता है। एक तरीके से हम इसको राजदूत कह सकते हैं कि यूएनओ के राजदूत हैं ये। हर देश में एक कोऑर्डिनेटर होता है। अब यूएनओ ने थाईलैंड में अपना कोऑर्डिनेटर जो है वो एक भारतीय महिला को चुना है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट था कि ये भारतीय है और साथ में महिला है, और वो महिला कौन है, गीता सबरवाल। आजकल महिलाओं का बोलबाला है, हर क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र हो महिलाएं सबसे आगे निकल के आ रही हैं। इसलिए ये जो न्यूज है ये पॉजिटिव न्यूज है और पॉजिटिव न्यूज ही पेपर में आती है। तो वो महिला जो यूएनओ द्वारा थाईलैंड में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर चुनी गई वो है गीता सबरवाल। अब थोड़ा सा हम यूएनओ के बारे में देख लेते हैं, नाम आया है तो यूएनओ बार बार पेपर में आता है, बार बार मैं आपको बताता भी हूँ। यूएनओ जो है वो क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुई थी ये चीज हम बार बार डिस्कस करते हैं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। यूएनओ जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को बना था, स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूएसए अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में जो इसके महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुटेरस, ये इसके महासचिव हैं। इसका कार्य है दुनिया में शांति स्थापित करना, दुनिया के देशों के झगड़े सुलझाना, खत्म करना, ताकि दुनिया जो है वो शांति के साथ और आराम से आगे बढ़ सके बिना झगड़ों बिना युद्ध के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन वनीला भारत सरकार का ऑपरेशन था, क्या था ये हमें बताना है। निम्नलिखित में से किस देश में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला शुरू किया। एक देश में अभी अभी बहुत बड़ा चक्रवात आया, उस देश के 1 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए, बुरी तरह प्रभावित हुए। वहां पर सहायता पहुंचाने के लिए जो भारतीय नौसेना है, इंडियन नेवी जो है, उन्होंने एक ऑपरेशन चालू किया, मतलब एक वहां सहायता पहुंचाने के लिए एक कार्य शुरू किया, उसको नाम दिया गया ऑपरेशन वनीला। और जिस देश के लिए शुरू किया गया वो था मेडागास्कर। मेडागास्कर एक द्वीपीय देश है, छोटा सा देश है, वहां पर 1 लाख लोगों का प्रभावित होना बहुत मायने रखता है। थोड़ा सा मेडागास्कर के बारे में जानते हैं, चलिए आ जाओ। मेडागास्कर जो है वो एक द्वीपीय देश है, मतलब समुद्र से घिरा हुआ देश है, छोटा सा द्वीप है, और ये जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। अगर द्वीप की बात करें तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश, और देश की बात करें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है ये। पहला ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, जो एक महाद्वीपीय देश भी है। दूसरा नंबर आता है मेडागास्कर का, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, और ये जो द्वीप की बात करें तो ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। राजधानी है अंतानानारियो, प्रधानमंत्री है वहां के क्रिश्चियन नेत्से, और मुद्रा है मालागासी एरियरी। नहीं समझ में आया, याद करना पड़ेगा, आप क्या करें, समझ में मुझे भी कमी आया, नाम ही ऐसे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, जो इंडियन ने कोस्ट गार्ड डे है। कोस्ट गार्ड डे, तटरक्षक दिवस, कोस्ट गार्ड डे, देखो नाम से ही पता है, कोस्ट मतलब तट, तट कौन सा, समुद्र का, गार्ड मतलब रक्षक, जो तट के रक्षक हैं
भारतीय समुद्री तट की रक्षा जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के जिम्मे है, जिस प्रकार से जो स्थलीय सैन्य सीमा है उसकी सुरक्षा बीएसएफ के जिम्मे है, उसी प्रकार से जो थल सैन थल सॉरी जलीय जो तट है हमारे, जो समुद्र से लगते तट है, उनकी सुरक्षा कोस्ट गार्ड जो है एक सेना उसके जिम्मे है। और वो जो दिवस है वो हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है, 1 फरवरी है, आज ही के दिन भारतीय तट रक्षक दल जो है वो तट रक्षक दिवस मना रहा है। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से, आपकी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चीन में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक इंडोर, चीन में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक इंडोर, दुनिया का इंडोर गेम्स का सबसे बड़ा आयोजन है ये, जिसमें दुनिया के सभी देश भाग लेते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में, ये याद रखना। हर 2 साल में इसका आयोजन होता है, हर 2 साल में, 2018 में हुआ था, अब 2020 मार्च में होना था, मार्च 2020 में ये गेम्स आयोजित होने थे, इंडोर गेम्स हैं और चाइना में होने थे। अब आपको पता है प्यारे दोस्तों, चाइना में अभी एक बहुत बड़ा त्रासदी चल रही है, जिसको संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल इमरजेंसी घोषित की है। त्रासदी जो है ये क्या है, ये है कोरोना वायरस। कौन सा वायरस? कोरोना वायरस। दुनिया का कोई भी न्यूज़पेपर ऐसा नहीं है जिसमें आज इसका नाम ना हो। तो आज शाम तक आपको इसकी वीडियो भी जरूर मिलेगी, पूरी कोरोना वायरस की डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ, शाम तक वेट कीजिए। ये जो वायरस है इसके कारण लोग चाइना में जाने से डर रहे हैं, जिसके कारण से ये जो 2020 के गेम थे इनको रद्द करना पड़ा। अब इनका आयोजन 2021 में किया जाएगा, एक साल जो है इन गेम्स को डिले कर दिया गया है, किस कारण से? कोरोना वायरस के कारण से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत किस देश के साथ संप्रीति नाम पे ध्यान देना संयुक्त सैन्य अभ्यास है। संयुक्त मतलब जहां एक से ज्यादा लोग जुड़ जाएं वो संयुक्त हो गया। अब ये जो सैन्य अभ्यास है इसमें एक तो भारत है और संयुक्त है तो कोई दूसरा देश भी होगा, वो दूसरा देश कौन सा है ये बताना है। तो वो दूसरा देश जो है वो है भारत के साथ बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसको नाम दिया गया है संप्रीति। अब ये पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि अभी अभी भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ था, उसको क्या नाम दिया गया? तो उसको नाम दिया गया है संप्रीति। संप्रीति एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई है। बांग्लादेश के बारे में देखें थोड़ा सा, चलिए आपकी इतनी ही इच्छा है तो हम देख लेते हैं, नाराज नहीं करेंगे आपको। बांग्लादेश पड़ोसी देश है हमारा, पाकिस्तान से अलग होकर बना था। बांग्लादेश जो है वो बना था पाकिस्तान से अलग होकर, पूर्वी पाकिस्तान को बाद में बांग्लादेश बनाया गया। राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वो है शेख हसीना और वहां की जो करेंसी है वो है टका। टका टका वहां की करेंसी है। कहाँ की करेंसी है? बांग्लादेश की। हमारा पड़ोसी देश है, बांग्ला भाषी देश है। इस देश का राष्ट्रगान भी एक भारतीय ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे, भारत और बांग्लादेश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स या सूची, इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान दिया गया है? भारत का जो नीति आयोग है ये क्या है, ये आपको पता है? नहीं पता है तो इसकी डिटेल के लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जान सकते हैं। ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। नीति आयोग जो है वो हर महीने, हर मंथ, मतलब एवरी मंथ एक लिस्ट जारी करता है, एक सूची जारी करता है। उस सूची में देश के जितने भी जिले हैं सब जिलों के अध्ययन के हिसाब से एक जिले को टॉप में रखा जाता है कि किस जिले ने इस मंथ के दौरान जो ग्रोथ से रिलेटेड या जो प्रशासन से रिलेटेड जो कार्य हैं उसमें सबसे बेस्ट काम किसने किया। तो इस महीने जो चुना गया है वो है चंदौली। चंदौली उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है जिसको नीति आयोग ने इस महीने का सबसे बेस्ट जिला माना है, सबसे टॉप जिला माना है। तो ये था, हर महीने ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इस क्वेश्चन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, पर फिर भी मैंने आपके नॉलेज के लिए क्वेश्चन डाला था। अभी ये इंपॉर्टेंट है, 34वें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये मेला जो है ये संस्कृति और कला दो चीजों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ हस्तशिल्प
से रिलेटेड जो है वो हर चीज आपको मिलेगी। और हर साल इस मेले का आयोजन होता है हरियाणा के फरीदाबाद में। हर साल ये जो मेला है ये हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है, ये फिक्स है कि फरीदाबाद में ही लगेगा और हर साल लगता है। अभी इस मेले का आयोजन फरवरी माह में चल रहा है, होगा 1 से लेकर के 16 फरवरी तक ये मेला चलेगा। बहुत फेमस मेला है, जाके देख के आ सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा हरियाणा। कौन सा मेला है आपकी बार, ये क्रम याद रखना है, 34th 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है। ये था हमारा कल का क्वेश्चन जो कल की वीडियो में मैंने आपको दिया था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, मतलब काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसमें कौन क्या चीज ऐसी है जो वर्ल्ड फेमस है, या किस लिए काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो जाना जाता है। तो ये जाना जाता है प्यारे दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए, जो रिनोसॉरस होते हैं जिनकी नाक पे सींग होता है, नाक पे सींग होता है, नाक से लड़ाई करते हैं ये लोग, इनकी नाक की लड़ाई कहलाती है ये, तो ये इसके लिए फेमस है। तो इसका हमारा आंसर रहेगा एक सींग वाला गैंडा। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, हम थोड़ा सा काजीरंगा पार्क के बारे में जान लेते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया है ये, बहुत बार। मेरे हिसाब से अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे ज्यादा बार अगर पेपर में क्वेश्चन आया है तो यही आया है। इस ये जो है ये है कहाँ पर, सबसे पहली बात तो ये कि ये असम में है, असम के गोलाघाट जिले में पड़ता है ये। 1908 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था, नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, कब, 1908 में। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 430 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और ये फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो दो क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट बनते हैं, एक तो पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में है, दूसरा जो है काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, तो वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अभी आज का क्वेश्चन ले लेते हैं, आज का क्वेश्चन भी हमारा नेशनल पार्क से रिलेटेड है। मैं आपको नेशनल पार्क से संबंधित सारी चीजें समझाना चाहता हूं, एक वीक में इसको खत्म करना चाहते हैं कि नेशनल पार्क से रिलेटेड सारी चीजें हम कवर करें। आज का क्वेश्चन जो है वो है राजाजी नेशनल पार्क, दूसरा भारत का बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है राजाजी नेशनल पार्क। आपको ये बताना है कि ये कहां पर है, कल हम इस पे पूरा डिस्कस करेंगे, कहां पर है, कब बना था, किस लिए फेमस है, ये सारी चीजें कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, कल की वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, 2 फरवरी के साथ फिर से मिलेंगे। आज 1 फरवरी को यहीं समाप्त करते हैं, आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी वो यही कि शेयर कीजिए प्लीज। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।